गुड इवनिंग एवरी वन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? हेलो एवरी वन, यस सर, काइंडली कमेंट हियर एंड देन आई विल स्टार्ट. गुड इवनिंग, am I audible? एक इम्पॉर्टेंट सेशन है हमारे लिए आज, जिसको कि हम करेंगे, और उस सेशन का नाम है सोवियत मोंटाज. सुन रहे ना सर? हाँ जी, सोवियत मोंटाज, बिल्कुल. अच्छा, तो गुड इवनिंग. हम लोग आज इसको पूरे डिटेल में करेंगे, और डिटेल में उसके लिए चाहे आप जिस भी मीडिया या फिर फिल्म एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है. वन डे एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे नेट जा रहे, पीएचडी एग्जाम्स, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, या फिर आईएमसी वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए ये क्लासेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये सेशन हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर आपको आर्टिस्टिक चीजें सीखनी है तो यू कैन स्किप द क्लास. हाँ, हम लोग जो ये बात करेंगे ना, वी विल ओनली टॉक अबाउट सोवियत मोंटाज थियरी. सुन रहे ना सब लोग? वी विल टॉक अबाउट सोवियत मोंटाज थियरी, बस इतनी सी बात है ना सर जी? बस इतनी सी बात है. लेकिन उसके पहले मुझे कुछ आप लोगों को ना ये बताना है कि हाँ, सोवियत मोंटाज को आप किस तरीके से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. समझने के लिए तरीके क्या हैं सर? आप देखें कि जब भी आप मोंटाज की बात करते हैं, मोंटाज का मतलब सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग होता है सर. अगेन आई एम एम्फसाइजिंग इट, सोवियत मोंटाज एडिटिंग की थियरी है. सुन पा रहे ना? नहीं, आपका कहने का क्या मतलब है सर? मतलब यह है कि जो फिल्मों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो हम शॉर्ट्स जरूर पढ़ते हैं, है ना सर जी? अच्छा, तो सर शॉर्ट का आपका क्या कहने का मतलब है? बस मेरा और कुछ नहीं, ये आपने सीएटी और कैट के बारे में, मतलब ऐसे स्पेलिंग वगैरह तो सुना ही होगा सर. मतलब आप क्या ही बता रहे हो सर, क्या हम इतना नहीं जानते? हेलो, है ना सर जी? इतना तो हम जरूर जानते हैं कि सी ए टी, और सी ए टी का मतलब कैट ही होता है, इसमें क्या ही अलग से पूछना है. थोड़ा सा रुके, इधर कोई गड़बड़ हो रहा है. कोई नहीं, जो मैं लेके आना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ, वो उधर मिल नहीं रहा है. पहले सिर्फ इतनी सी बात जाने कि पहले जो फिल्में बनती थी वो सेल्यूलॉइड पेपर पे प्रिंट होता था. दिस इज व्हाट सर? सेल्यूलॉइड पेपर, ये दिख रहा है ना आप लोगों को? नथिंग बट सेल्यूलॉइड पेपर. आज लाइटिंग भी थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन ठीक है. मतलब मेरे चेहरे की लाइटिंग की बात कर रहा हूँ, और ये इससे 1% भी असर आपके इस कंटेंट पे नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये जो है कंटेंट बिल्कुल ओरिजिनल है, प्योर है, उसमें कोई कहीं गड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना? हाँ, इसकी क्वालिटी प्योर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. तो जब भी हम सोवियत मोंटाज थ्योरी पढ़ेंगे तो आप समझेंगे ये चार सिनेमा मूवमेंट जो बेसिकली होते हैं, एक तो फ्रेंच न्यू वेव, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, या फिर इटालियन न्यू रियलिज्म, और ये उस कड़ी में है ना सर. बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं भी लिख पाते हैं. यस एवरीबॉडी, अगर क्रोनोलॉजी आप कहीं से नहीं भी लिख पाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर. गुड इवनिंग सर, आपका हेड हाफ दिख रहा है. कोई बात नहीं, हाफ दिख रहा है, बस हमें आज पढ़ने से मतलब है. अभी इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हैं. क्यों? क्योंकि ये क्लास इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. तो मैं आप लोगों को यही बात कर रहा था, वहाँ पे तब सेल्यूलॉइड पेपर पे फिल्में जो है रील पे कैमरा के थ्रू कैप्चर की जाती थी, और फिर उसको कट किया जाता था सीजर से, ठीक है? अब
ये मोंटाज थ्योरी भी कटिंग एंड एडिटिंग का ही है एक पूरा सिद्धांत, और कुछ है ही नहीं सर, ऐसे कह रहे हूँ। हाँ जी, मैं इधर जैसे लिखूँ, मैं वही बात बता रहा था कि मैं इधर क्या करता हूँ, आपके सामने कुछ नई चीज़ें इधर मैं लिखता हूँ, है ना। तो मैं इधर ये लिख दिया मैंने, सिंपल सी बात है। और सेम कट एडिटिंग की बात मैं थोड़ा सा बताना आप लोगों को चाह रहा था। सेम अगर मैं बात इधर, सेम वर्ड है ना, मैं इसको इस वर्ड का फॉर्मेशन चेंज कर दूं, तो मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कर दूं क्या, हाँ तो फिर ये मीनिंग चेंज हो जाता है ना। बस इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी। यस एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, इसका मीनिंग चेंज होता है, कोई बात नहीं। मेरे फोटोग्राफ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं। यस जी, मीनिंग चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा। क्यों चेंज हुआ, व्हाई व्हाट इज गेटिंग चेंज्ड? क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कर दिया है, या फिर जक्स्टापोजिशंस कर दिए हैं, या फिर हमने सब वो जो जहाँ जो लेटर थे उसको हमने हेर फेर कर दिया, बस इतनी सी बात है। सेम कहानी है सोवियत मोंटाज थ्योरी की, बस और कुछ है ही नहीं सर। मतलब सोवियत मोंटाज थ्योरी में कुछ है ही नहीं, क्या मतलब है? मतलब कंटिन्यूअस वे में एक शॉट के साथ दूसरे शॉट का संयोजन आपको एक बिल्कुल आपके इमोशन को प्रवोक करे, आपको इमोशंस को एक निश्चित दिशा में फ्लो करे, दैट इज द मेन पर्पज ऑफ सोवियत मोंटाज थियरी। ठीक है, पहले क्या होता था, जनरली आपने वीसीआर को देखा होगा तो आपको पता होगा ये क्या है, दीज आर नथिंग बट फोटोज ऑन दैट वेरी सेल्यूलॉइड, मतलब ये प्लास्टिक के पेपर पे रील पे फोटोज हैं। तो फोटो प्ले थियरी वाले एक ह्यूगो कहते हैं कि सर अगर हमने सिर्फ शॉट के साथ, जैसे कैट की कहानी अभी अब हम लोगों ने देखा था, CAT और ACT की कहानी देखी थी, सेम तरीके की बात यहाँ पे भी आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप एक जो फ्रेम देख रहे हैं, इस फ्रेम में एक ओल्ड मैन है, ठीक है, और यही सेम ओल्ड मैन थोड़ा सा स्माइलिंग एक अटायर लिए हुए है, और ही इज जस्ट लुकिंग टुवर्ड्स मॉम एंड सी इज प्लेइंग विद अ चाइल्ड, ठीक है ना सर जी। अब वो अपने बच्चे के साथ खेल रही है, सेम चीजें सेम शॉट्स में हमने अब क्या करेंगे, एक दूसरे शॉट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पहला और दूसरा सेम शॉट जो है वो सेम है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो भी मीनिंग चेंज होता है क्या, बताएं व्हाट यू मीन? ऑब्वियसली हाँ। तो सर इसको हम लेव कुलसेव इफेक्ट बोलते हैं, मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, दिस इज नथिंग बट लेव कुलसेव इफेक्ट। हाँ, ये इफेक्ट अब शुरू के दौर में, जब आप आज की पर्सपेक्टिव से मत देखिए सिनेमा को, सिनेमा को आप देखना है तो पुराने पर्सपेक्टिव से आपको देखना पड़ेगा। कब? जब 1910 से बाद की मैं बात कर रहा हूँ, अराउंड 1910, जब सिनेमा एकदम बिल्कुल अपने शैशव यानी अपने चाइल्ड एज में है, तब इस तरीके का एक्सपेरिमेंट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट बात है सर, सुन रहे ना, बहुत 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 इम्पोर्टेंट, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। हाँ, ओल्ड मैन अल्फ्रेड हिचकॉक हैं क्या ऐसा? नहीं, ये देखो, अब हमने शॉट को जक्स्टापोजिशन कर दिया, या फिर दूसरे शॉट इंट्रोड्यूस किए, और दिस शॉट इज सेम, दिस वन इज सेम, दिस इज अ सेम एज वेल, लेकिन सिर्फ हमने जक्स्टापोजिशन या फिर एक नया सब्जेक्ट, नया फ्रेम, नया शॉट इम्पोज उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, मीनिंग चेंज हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है सोवियत मोंटाज की मीनिंग को समझने के लिए, लेकिन सोवियत मोंटाज की कहानी यहीं से शुरू होती है सर, है ना? यस एवरीबडी? नहीं, हाँ सर, सोवियत मोंटाज की कहानी यहीं से शुरू होती है। तो हम लोग कहानी पढ़ें, कहानी से भी बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम लोग एक एक कर कर करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक दो आप थेरिस्ट के नाम भी पहले याद कर लें, क्योंकि उन कहानियों में थेरिस्ट के नाम आपसे पूछे जाते हैं कि सोवियत मोंटाज से कौन कौन कनेक्टेड है। तो सबसे इम्पोर्टेंट
लेओपोल्ड से सबसे इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द पाइनियर इन सोवियत मोन्टाज थियरी। अगेन, ही वॉज पाइनियर इन सोवियत मोन्टाज। कौन है ये? और उनके एक स्टूडेंट है सरगेई आइजेंस्टाइन, और उनसे ही प्रभावित एक व्यक्ति हैं जिगा वर्तो। ये तीनों लोगों का अतुलनीय योगदान है सोवियत मोन्टाज में। बात करते हैं सोवियत मोन्टाज की इनिशिएशन, या फिर यूं कहें कि कैसे स्टार्ट हुआ। आपको याद होगा कि 1917 में, 17 में रशियन रेवोल्यूशन होता है ना, बोल्शेविक क्रांति या फिर रशियन रेवोल्यूशन इधर हम देखेंगे। उस दौर में सिचुएशन यह है कि रशिया में जो भी जा रहे, या फिर जो भी एक किंगशिप और किंगडम वाली कहानी थी, उसको लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी है, या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है उसी दौरान, और बहुत नुकसान हो चुका है रसिया को। जब भी आप जो भी सिनेमा मूवमेंट पढ़ेंगे ना, उसमें कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर या फिर एक बड़ा डिस्ट्रक्शन जरूर सामने आएगा। वर्ल्ड वॉर के बाद सिचुएशन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, फिल्मों को बहुत अच्छे तरीके से लेनिन पहचान रहे हैं। सुन रहे हैं ना, लेनिन। कौन सर? लेनिन की बात कर रहा हूँ, वही लेनिन जिनको कि रसिया का वन ऑफ द ग्रेट लीडर कहा जाता है। मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म बेसिकली, जिसको सबसे बेहतरीन तरीके से कोई अपनाया ना और उसका फायदा उठाया, तो फिर वो रसिया वाले स्टालिन और ये लेनिन थे सर। तो उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि अगर प्रोपेगेंडा और कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को, वर्किंग क्लास को हम कम्युनिकेट कर पाए, तो हम रिजीम एस्टैब्लिश कर सकते हैं और लोगों को सेटिस्फाई किया जा सकता है। हालांकि उसी दौर में ये फिल्म को बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम मान रहे थे लेनिन। उन्होंने ही द नेशंस स्टेट फिल्म स्कूल उनके रिजीम में फाउंड हुआ, और उसके पहले डायरेक्टर जो बने वो लेव कुलशेव बने। सुन रहे ना, कहानी यहीं से आगे बढ़ती है सोवियत मोन्टाज की। उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट के करने के आधार पे कुलशेव इफेक्ट दिया अपना एक थियरी जिसको कह सकते हैं। तो इसी को कुलशेव इफेक्ट कह सकते हैं, कि किस तरीके से जक्स्टा पोजिशन या फिर एक दो सेम शॉट के बीच में एक अलग शॉट इंट्रोड्यूस कर दें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, तो मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है ना? यस एवरीवन। जी अच्छा, इस सिचुएशन को तो आप यहीं रहने दें, मैं एक और सिचुएशन आपसे विजुलाइज करना चाहता हूँ, कराना चाहता हूँ। मान लीजिए अब ये शॉट नंबर जहाँ मेरा कर्सर है, इसको मैं यहाँ पे रखूँ, मतलब शॉट को चेंज कर दूँ, तो ये पहले पे खुश है ना, और जैसे ही ये वुमन को देख रहे हैं ये दुखी हो जा रहे हैं, मतलब ये इधर आ जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि हाँ, मतलब जक्स्टापोजिशन करने के कारण इनको लगेगा कि नहीं, ये 21 बच्चे के साथ खेल रही है, थोड़ा दुखी हो जाए, है ना? ऐसा भी हो सकता है। या फिर इस लेडी के साथ सेम बात करें, तो उनको लगेगा कि नहीं, ये नए जमाने की लड़कियां हैं, वो बेकार हैं, मतलब इस तरीके के कपड़े नहीं पहनना चाहिए उनको। तो क्यों ऐसा लगेगा कि हाँ ये गुस्सा हो रहा है? बस मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि भाई, बस जक्स्टापोजिशन अगर कर देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा भी हम पढ़ते हैं। डायरेक्टर लेव कुलशेव जो हैं, कंसेप्चुलाइज कर किए हैं उन्होंने मोन्टाज थियरी। मोन्टाज थियरी को हम लोग एडिटिंग थियरी भी कह सकते हैं, है ना? यस। तो दिस वुड बिकम नोन एज द कुलशेव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? जो अभी हमने देखा था, कुलशेव, लेव कुलशेव ने इंस्पायर किया दो लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन है सर? एक तो सरजेई आइजेंस्टाइन, जिन्होंने बहुत कुछ बहुत फिल्में बनाई, जिनमें से एक बैटलशिप पोतेमकिन है, जो कि वर्ल्ड एक्लेम्ड फिल्म है। एक एक और जो है, जिनका नाम है जिगा वर्तो, ठीक है सर, जिन्होंने द मैन विद द मूवी कैमरा इस नाम से फिल्में बनाई। लेकिन अब इन फिल्मों में क्या बेसिक सी बातें हैं वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं सोवियत मोन्टाज की बेसिक सी बातें क्या है। समझ पा रहे हैं ना सब लोग? यस एवरीवन। सोवियत मोन्टाज की बेसिक से क्या बातें हैं सर? शुड बी ठीक है सर। तो मैं थोड़ा सा इसको अभी आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, यहाँ देखते हैं। तो मोन्टाज इज सिनोनिमस विद एडिटिंग, जिसका प्रैक्टिस पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम 1920s में, आई से 30s में स्टार्ट किया गया। किनके द्वारा? रशियन फिल्म मेकर्स के द्वारा। मेन मतलब यह है कि हम किस तरीके से कंटिन्यूअस वे में एक नरेशन, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि फिल्म एक ऐसा पूरा मेच्योर्ड मीडियम है जो कि आपके
पूरे थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकता है। विजुअल मीडियम है, ऑडियो विजुअल मीडियम है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है ना, हॉट मीडियम है। तो इसमें क्या पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक पेस एस्टेब्लिश किया जाएगा, पेस को कंटिन्यू रखा जाएगा, एक इमोशनल रिस्पॉन्स को इवोक किया जा सकता है। मान लीजिए अभी आपके साथ एक सिचुएशन मैं देता हूँ, जिसमें क्या है, एक व्यक्ति है जो इधर बहुत बड़ा एक क्या कहें इसको, पगड़ी कह सकते हैं, पगड़ी है, और वो उसका पगड़ी का जो रंग है ना, मतलब जो कि जिसके पगड़ी का रंग या टोपी का रंग हरे कलर का है ना। अब हरे कलर वाले ने चाकू मार दिया, ठीक है, और ये फिल्मों का एक एक शॉट मान लीजिए, चाकू मारा किसको, जो जिन्होंने भगवे कलर या फिर सैफरन कलर के जो एक व्यक्ति जो जिन्होंने पहना हुआ है। आपको नहीं लगता कि ये 10 सेकेंड का शॉट अगर आप बहुत अच्छे तरीके से उसको फिल्माएं या फिर कैप्चर करें, और सर शॉर्ट वीडियोस में ही अगर आप डाल दें इन दिनों, पता है क्या होगा सर, हिंसाएं फैल जाएंगी। नहीं, बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल, मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के संयोजन से, उसके कॉम्बिनेशन से आप इमोशन, आप पेस जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उसको कंटिन्यूअस वे में कंट्रास्टिंग इमेजेस के थ्रू, कंट्रास्टिंग शॉट या सीन के थ्रू हम एक नए वे में उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, भले हकीकत कुछ और हो। आपको एजेंडा सेटिंग और फ्रेमिंग पता होगा, तो फ्रेमिंग थियरी को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जक्स्टापोजिशन में। सुन पा रहे हैं ना सब लोग? यस। यहाँ पे इन सिचुएशंस में, यानी सोवियत मोन्टाज में, मेन मकसद क्या होता है, जो भी एडिटर्स हैं, एडिटर एडिटिंग करने, उनका कहना है कि देखिए फिल्में जो है ना, वो ऐसा नहीं कि लोकेशन पे नहीं बनती, फिल्में तो बनती हैं सर एडिटिंग टेबल पे। सुन रहे हैं एवरीवन? अगर ऐसा नहीं होता, उनका वो कहना बिल्कुल सच है, अदरवाइज बाहुबली और या फिर ऐसी फिल्में जो आजकल हिस्टोरिकल फिल्में आपको साउथ की दिख रही हैं, वो सर VFX का कमाल है सर। हालांकि उन्होंने विजुअल इफेक्ट्स तो नहीं डाले थे वहां पे बहुत ज्यादा, लेकिन उन्होंने इफेक्ट्स जो दिया ना एडिटिंग के माध्यम से, उसका नेक्स्ट वर्जन आप देख रहे हैं। ठीक है, फिल्में तो एडिटिंग टेबल पे बनती हैं, किन्होंने कहा था सर, ये इनका थॉट प्रोसेस था, इनका थॉट था, इनका कॉग्निशन था, रिकॉग्निशन था सोवियत मोन्टाज वाले का। नाम दो तीन लोगों के नाम आप जरूर याद रखेंगे, अभी और भी हम पढ़ेंगे। तो कुछ एक फिल्म, मुझे बहुत ज्यादा इस क्लास को एग्जेजरेट मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी वो फिल्में हैं जो आपके ध्यान ध्यान रखना चाहिए, तो उन फिल्मों के बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन फिल्मों से पहले मुझे आपको बताना है इनके बारे में, ये कौन है सर, सर्जेई आइजेंस्टाइन ने लेव कुलशेव इफेक्ट को, यानी कुलशेव इफेक्ट को आधार मानते हुए एक नई तरीके की मोन्टाज थ्योरी दिया उन्होंने। उस मोन्टाज थे, आपको याद होगा कि हम लोगों ने जस्ट पहले अभी बात किया था कि मोन्टाज थ्योरी को क्वाइन किसने किया था, मोन्टाज को सर, यस एवरीवन, सुन पा रहे हैं आप लोग? हेलो, हाँ सर, किसने, लेव कुलशेव ने। तो मोन्टाज थ्योरी के और भी डीप में जाके आप देखेंगे ना, सर्जेई आइजेंस्टाइन ने 5 तरीके के मोन्टाज की बात की थी सर। कौन कौन से? एक को हम मैट्रिक मोन्टाज कहते हैं, उसके बाद रिदमिक मोन्टाज, फिर उसके बाद टोनल मोन्टाज, फिर उसके बाद ओवर टोनल मोन्टाज, एंड देन इंटेलेक्चुअल मोन्टाज। मैट्रिक मोन्टाज, रिदमिक मोन्टाज, टोनल मोन्टाज, ओवर टोनल मोन्टाज, ठीक है। हु गेव दिस डीप एक्सप्लेनेशन ऑफ मोन्टाज थ्योरी? सर नाम है उनका सर्जेई आइजेंस्टाइन। अगेन काइंडली कमेंट इट गाइस, सर्जेई आइजेंस्टाइन। एडिटिंग में कुछ और लोगों के नाम जो हैं, जो कि आप मोन्टाज थ्योरी से नहीं है, लेकिन आप वो हॉलीवुड से वो लोग हैं और जिन्होंने एडिटिंग का ABCD सिखाया दुनिया को, उनमें एक थे WD ग्रिफिथ। सुन रहे हैं सर? यस एवरीवन। और दूसरे व्यक्ति, इनका नाम अभी पहले जाने, WD ग्रिफिथ। फिल्में उन्होंने अबर्थ ऑफ नेशन एंड इनटॉलरेंस बनाई। हाँ, तो फिर और भी क्या पढ़ना है इनको, इनके बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। उसके पहले ये कुछ 10 फिल्मों के नाम हैं, इतना अगर आपने लिख लिया, समझ लीजिए कि आप
आपका जो एग्जाम है नेट जेआरएफ का, उतना में काम हो जाएगा सर आपका, ऐसा। हाँ जी सर। कौन है 10 फिल्में? तो उनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इधर ही है। एक फिल्मों के नाम, फिल्म के नाम मैं और बताऊंगा, पहले यही देख लेते हैं। जिसमें से 1924 की जो जिगा वर्तो की फिल्म है किनो आई ही, कई लोग इसको पहला सोवियत मोन्टाज का फिल्म मानते हैं और कई लोग स्ट्राइक को पहला सोवियत मोन्टाज का फुल लेंथ फिल्म मानते हैं, ठीक है। यस, आप लोगों को याद होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1925 तक क्या टॉकीज यानी बोलती हुई फिल्में आई थी क्या, बताएं सब लोग। 1925 तक बोलती हुई फिल्में आई थी, मतलब टॉकीज एरा आया था, प्रारंभ हो चुका था क्या? नहीं ना। ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें यही होता है। आज मैंने आपको अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास पे एक क्लास लिया था, तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसी से मुझे याद आया कि देखिए आप लोग सब लोग समझिए, एक मुझे सूचना देनी थी और वो सूचना यही थी कि सर मैं बार बार भूल जाता हूँ, बार बार भूलो नहीं सर, अब बता दो आ गया है तो। इज इट विजिबल ना, मैं इसको हटा भी दूंगा, पहले इसको समझ लीजिए। मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ और वहाँ पे मैं आप लोगों को फैसिलिटेट करता हूँ। यूनिट 1 से लेकर 10 तक का पूरा सिलेबस नेट जेआरएफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है ना। आप जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो, सत्यम इस कोड आप इम्पोज करिए, नॉर्मली 10% डिस्काउंट हमेशा अवेलेबल रहता है, तो आप सब्सक्रिप्शन लेके ये इसको अपने प्रिपरेशन जो है उसको यूनिट 1 से लेकर 10 तक का पूरा कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव, एक भी पेज आपको फिर कहीं दूसरे जगह से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आप पढ़ सकते हैं सेम सब्सक्रिप्शन में। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए तो मैं आप लोगों को फैसिलिटेट करूंगा ही। ये अक्टूबर 14 से लेकर 11 से 14 के बीच में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फिर आपको 10% डिस्काउंट अवेल होगा, बस इतनी सी बात है। इसको ख़त्म करते हैं, अब यहाँ आते हैं। तो अब देखिए 1926 में ये आया टॉकीज वाली फिल्म, तो ये 1925 यानी जब ये स्टार्ट हो रहा है, जनरली ये सारी फिल्में हैं कौन सी आपको पता है, ये यहाँ तक की फिल्में जो हैं ये सारी के सारे सोवियत मोन्टाज वाली फिल्में, ये वाली दीज आर साइलेंट फिल्में है ना, क्या कह रहा हूँ सर, साइलेंट फिल्म। तो कुछ स्ट्राइक इज वन ऑफ द ग्रेट फिल्म बाय सर्जेई आइजेंस्टाइन, बटलशिप पोतेमकिन को आप याद रखेंगे सर्जेई आइजेंस्टाइन की फिल्म, लेव कुलशेव की फिल्म डेथ रे, मदर बहुत 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 इंपॉर्टेंट, सेवलोद पुदोकिन, अब ये नाम शायद मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं, सेवलो पुदोकिन को आप याद रखेंगे। ओवरकोट बाई ये ग्रेगरी कोजिंस्टेव और लिनोइद त्राबर्ग, ऐसे कुछ करके नाम है, आप यहाँ पे लिखा है आप अपने इसी तरीके से लिख लेंगे। अक्टूबर एक बहुत अच्छी फिल्म है, अक्टूबर नाम से जनरली जानी जाती है फिल्म, लेकिन इसका पूरा नाम है 10 डेज दैट शूक द वर्ल्ड है ना। तो ये ग्रेगरी अलेक्जेंड्रो और सर्जेई आइजेंस्टाइन की फिल्म, मैन विद अ मूवी कैमरा, वन ऑफ द रिफ्लेक्सिव नेचर की फिल्म, रिफ्लेक्सिव जिसको कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही है उसको बाहर दिखा रहे हैं, मैन विद अ मूवी कैमरा, हैंड हेल्ड कैमरा के थ्रू शूटिंग कर रहे हैं। तो ओल्ड एंड न्यू एक और भी फिल्म जो कि सर्जेई आइजेंस्टाइन और ग्रेगरी अलेक्जेंड्रो की फिल्म है। तो ये कुछ फिल्मों के नाम आप लोगों को लिखना चाहिए, सुन रहे हैं सब लोग, यस एवरीवन। अब इधर एक एक करके लिखा है किनो आई स्किन की फिल्म है और इसमें क्या स्टोरी है, तो चाहे तो आप देख सकते हैं। डेथ रे और स्ट्राइक के बारे में लिखा है, स्ट्राइक के बारे में और भी कहानी है, लेकिन वो स्ट्राइक जो है वो 6 पार्ट में बना था और 6 पार्ट का क्या क्या मतलब है उधर, ये सब सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उधर मैन विद द मूवी कैमरा में और इसकी स्टोरी टेलिंग क्या है, ये आप पढ़ेंगे अपने तरीके से इसको देख लेंगे। बस मुझे इतनी सी बात कहनी थी कि हाँ ये सोवियत मोन्टाज थियरी एडिटिंग की थियरी है और टोनल ओवर टोनल मैट्रिक इंटेलेक्चुअल और ये सारी मोन्टाज जो है आपको पढ़ना चाहिए एक बार, बस वो उतनी ही बात जितना मैंने आपको बताया है, बहुत ज़्यादा अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें एग्ज़ाम से मतलब है, पास होने से मतलब है। जिनको फिल्मों में इंटरेस्ट है या फिर जो डायरेक्टर वगैरह बनना चाहते हैं या फिर फिल्म मेकर बनना चाहते हैं वो डिटेल में पढ़ लीजिए, हम लोग सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं है ना। लेकिन सर ये मार्क्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इतना सफिशियंट मटेरियल है आपके लोगों के लिए, मैं स्लाइड इसको एक बार दिखा देता हूँ,
और आप एक एक करके समझ सकते हैं इसको, मैट्रिक और ये मोन्टाज क्या है। तो आप स्लाइड रोक के भी इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फिल्म मेकर्स ऑफ द सोवियत मोन्टाज मूवमेंट यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन देयर वर्क, तो फिर इसके बारे ऐसे ही क्वेश्चन आता है। बहुत मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, तो आप जाहिर सी बात है आंसर कर पाएंगे। सुन रहे हैं ना सब लोग? यस एवरीवन। देखिए ये लाइटिंग के वजह से ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो लेकिन हमारा मेन पर्पज है पढ़ना, और आज इतना तो बियर कर ही लीजिए। साउंड ठीक है, स्लाइड ठीक है, तो सर ये बहुत मैटर नहीं करता। हाँ 1-2% करता है, लेकिन वो आप बिल्कुल समझदार हैं कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ते हैं। वेल डन, वेरी वेल डन एवरीवन। हाँ तो आप इस तरीके से इस सेशन को देख लिया आपने। सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म मेकर्स में से जो हम लोगों ने बात किया था, सो सर्जेई आइंस्टाइन को आप लोग ध्यान रखेंगे जरूर। और भी कुछ लोग हैं, लेकिन अभी लिखा है जीगा बर्थो की मैन विद द मूवी कैमरा क्या किस नेचर की थी, तो वो रिफ्लेक्सिव नेचर की थी। क्यों थी? इधर भी एक कुछ बातें लिखी गई हैं, जैसे अंद्रेई तारकोवस्की की फिल्म है। इधर मैंने अभी जस्ट कुछ पहले कुछ देर पहले लिखा लिखा है। कल हम लोग बात कर रहे थे, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि हाँ इटालियन न्यू रिलीजम की कुछ फिल्मों के बारे में पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन इधर भी है। फिर हम यहाँ पे भी बात करते हैं, जो जॉर्ज मेलिस या फिर चार्ली चैपलिन, डब्ल्यू डी ग्रिफिथ की हम लोग ने अभी बात किया था कि हाँ कौन कौन सी ये उनकी फिल्में हैं, तो इसको आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और ये इस तरीके से हमारा पूरा सेशन आज का कंप्लीट होता है सर। ठीक है? यस एवरीवन। नहीं हाँ ये क्वेश्चन इधर भी है, आप देख सकते हैं। जैसे सर्जेई आइजेंस्टाइन, सेवलोद पुदोकिन, फ्रिज लैंग, ऑर्सन वेल्स, तो ये जो है ना फ्रिज लैंग, ये एक जर्मन फिल्म मेकर है, उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। यूनिट नंबर 9 के प्लेलिस्ट में मैंने और भी ये सिनेमा मोमेंट की वीडियो डाल दी है, तो आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि आपका क्या आंसर होना चाहिए। अभी हमने सर्जेई आइजेंस्टाइन के बारे में पढ़ा था सर, पढ़ा था क्या? वेरी वेल डन एवरीवन। व्हाट विल बी आंसर हियर? आंसर मतलब ये तो मुझे पता है ना, ए विल बी कनेक्टेड विथ 3 और यहाँ पे आंसर नंबर 4 विल बी देयर, ऑप्शन में यही रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ सर्जेई आइजेंस्टाइन से मतलब था, और इट विल बी कनेक्टेड विथ बैटलशिप अब पोतम के। ठीक है जी, थैंक यू फॉर द सेशन, आई कांट एक्सप्रेस हाउ हेल्पफुल यू आर सर। अच्छा ऐसे, थैंक यू सो मच। आप लोगों का ये जो है सपोर्ट मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग खूब अपने तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, है ना? हाँ जी सर। शुड बी डिसकनेक्ट। और आप सभी लोगों को कल आई थिंक हम लोग कनेक्ट करें, इस बार 2022 का एग्जाम है। आप सब लोगों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रार्थना भी। बहुत अच्छे से काम होके कूल होके परफॉर्म करिए, कोई भी एग्जाम आपसे बड़ा नहीं होता, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। कल इट माइट बी कि कल हम लोग एक क्लास कनेक्ट करें, अदरवाइज।